हेलो एवरीवन, यूपीएससी ड्रीम पर स्वागत है आपका। आज शुरू करते हैं 8 सितंबर के करंट अफेयर्स। इससे पहले मैं आपको बता दूं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बने बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सबसे पहले करंट अफेयर्स का वीडियो आपके पास होगा। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। रेलवे ने अभी हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत उसने बताया है कि अब जो गरीब रथ एक्सप्रेस चलती थी, वो गरीब रथ एक्सप्रेस है वो बंद कर दी जाएगी। उसको अब रेलवे की पटरी पर नहीं उतारा जाएगा, उसकी जगह हम सफ़र ट्रेन को दिया जाएगा। हम सफ़र चलेगी, इसके तहत सबसे पहले दिल्ली चेन्नई रूट को बदला जाएगा। दिल्ली चेन्नई रूट पर गरीब रथ को सबसे पहले बंद किया जाएगा। उसके बाद आगे बात करते हैं कुंभ मेला 2019। कुंभ मेला 2019 है, ये 15 जनवरी 2019 को इलाहाबाद में लगेगा। इसके लिए पीयूष गोयल है यूपी के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी ने वेबसाइट और ऐप लॉन्च किए हैं। उसके बाद मैं बता दूं आपको इस थोड़ा स्ट्रेटेजी के कि कुंभ मेला है वो चार जगह पर बढ़ता है, 4 वर्ष के अंतराल पर। गंगा नदी, ये हरिद्वार में लगता है। दूसरा आपका इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम, जहां गंगा यमुना और सरस्वती का संगम होता है, वहां पर जो इस बार लगने वाला है। उसके बाद ये लगता है एक जगह नासिक गोदावरी में, यहाँ पर जो मंदिर है उस मंदिर का नाम है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। एक उज्जैन में लगता है छिपरा नदी के तट पर, यहाँ पर जो मंदिर है उस मंदिर का नाम है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर मंदिर। उसके बाद स्वदेश दर्शन योजना के तहत 80.37 करोड़ रुपए वो केंद्र सरकार ने केरल को देने की घोषणा की है, जिसके तहत केरल वहाँ पर टूरिज़्म को बढ़ावा देगा। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान सरकार की। राजस्थान सरकार ने हाल ही में एक बिल पारित करके विधानसभा के अंदर यह नियम लागू कर दिया है कि कभी भी भविष्य में लोकायुक्त का पद है वो राजस्थान में कभी भी खाली नहीं रहेगा। इसके तहत इन्होंने ये किया है कि लोकायुक्त पद है उसका कार्यकाल है वो 5 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया है। पहले की तुलना में कार्यकाल में 3 वर्ष की वृद्धि की गई है। अब एक सिस्टम और इसके साथ ये भी है कि लोकायुक्त का कार्यकाल अगर 8 वर्ष पूरा हो जाता है, उसके बाद में भी वह अपने पद से नहीं हट सकता जब तक कि नए लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो जाती है। उसके बाद आगे कुछ स्ट्रेटेजी की अपन बात करेंगे, एक मिनट चलिए देखते हैं। ये कुछ प्रमुख स्थल हैं जो काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। राजघाट महात्मा गांधी से संबंधित है, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित है। अब इसके अंदर हाल ही में क्वेश्चन ये बनता है कि लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल फाउंडेशन है, इसके तहत जो ऑनरेरी एम्बेसडर के पद पर नियुक्ति की गई है वो है आपके अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को यहाँ पर ऑनरेरी एम्बेसडर की नियुक्ति की गई है लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल फाउंडेशन में। शक्ति स्थल है वो आपका इंदिरा गांधी का है, अभय घाट मोरारजी देसाई का है, किसान घाट चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह का इतना याद रखना कि 23 दिसंबर को इनकी याद में किसान दिवस मनाया जाता है, 23 दिसंबर। उदयभूमि की आर नारायण, वीरभूमि ये राजीव गांधी। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। ये था आज के करंट अफेयर्स और कुछ स्ट्रेटेजी के। कल के वीडियो में मिलते हैं 9 सितंबर के करंट अफेयर्स के साथ। धन्यवाद।